भाजपा द्वारा जिले भर में लगे महापुरुषों के प्रतिमाओं का किया जा रहा साफ सफाई और माल्यार्पण। आप देख रहे हैं बीएनपी न्यूज, में हूं शहजादी प्रवीण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 8 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पूरे भारत में सेवा सुशासन और गरीब कल्याण वर्ष भाजपा मना रही है। इस मौके पर जिले भर में जितने भी महापुरुषों की प्रतिमा लगी हुई है उन सभी प्रतिमाओं की साफ सफाई और उनका माल्यार्पण किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी के सुमन चंद की अगुवाई में भाजपा नेताओं ने पिपरा बाजार स्थित सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा की साफ सफाई की और माल्यार्पण किया। इस मौके पर भाजपा नेता सुरेश कुमार सुमन, सुमन कुमार, मिथिलेश कुमार झा सहित कई भाजपाई मौजूद रहे। बिहार झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे न्यूज चैनल बीएनपी पर, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। प्रधानमंत्री मोदी जी के 8 साल कार्यकाल पूरा होने पर पूरे भारतवर्ष में सेवा सुशासन और गरीब कल्याण वर्ष भारतीय जनता पार्टी मना रही है। उसी के तहत पूरे देश भर में जितने महापुरुष की मूर्ति लगे हुए हैं चौक चौराहे पर, उसकी साफ सफाई, उसके माला अर्पण का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश में कर रही है। आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष चल रहा है। सेवा सुशासन और गरीब कल्याण पर जो 8 साल प्रधानमंत्री मोदी जी ने सफलतापूर्वक किया है, इस अवसर पर हम लोग जितने भी शहीद स्मारक स्थल है उसका साफ सफाई करते हैं और माल्यार्पण करके ये संदेश दे रहे हैं समाज में कि जिन्होंने समाज के लिए अपना सर्वस्व त्याग किया, आज भारत के समाज उनके लिए भी त्याग करने के लिए तैयार है। नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व का जो 8 वर्ष पूरा हुआ है, पूरे विश्व में जो इस सरकार का, नरेंद्र मोदी जी का और भारतवर्ष का एक डंका बजा है। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोग जितने भी देश के अंतर्गत महापुरुष हैं उनके चित्र पर माल्यार्पण करके स्वच्छता अभियान चलाकर और देश को, समाज को एक मैसेज देना चाहते हैं कि